केले की खीर सीखने के लिए मैं आ गई हूँ मिसेस मीनू बंसल के यहाँ पर। वेलकम टू स्मार्ट किचन। थैंक यू दीदी। आज आप हमें केले की खीर सिखाने वाली हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन्स है, कैल्शियम है, क्योंकि इसमें बनाना इंक्लूडेड है। क्या होंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, आप हमें बता दीजिए। चीनी, दूध, ड्राई फ्रूट्स, इलायची और थोड़ा जायफल, केले के पीसेस और थोड़ा सा मिल्क मेड। तो चलिए पहला स्टेप जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके दीदी दूध को हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। ये वन बोल आपने दूध दिया है। वन बोल की, और इसमें आपकी दो सर्विंग्स बन जाएंगी एक बोल दूध में, क्योंकि हम केला भी डालेंगे। और इसके बाद हम केला लेंगे। केले को वैसे मैंने चॉप करके रखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ग्रेट कर लेती हूँ, जिससे क्योंकि हमें थोड़ा इसमें पल्पी देना है केला। ओके, आप चाहे तो विदाउट कट करके भी केले को इस मैश से पल्पी मैश बना सकते कर सकते हैं। और थोड़ा सा केला हम इसमें डेकोरेशन के लिए पीसेस में रखेंगे। तो अदिति देख ली, आपने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया। और ये 1/4 कप के केला है, तो इसको मैं बॉइलिंग मिल्क में डाल रही हूँ। बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। और हेल्दीनेस तो मैं इसके बारे में बताई चुकी हूँ, इज़ वेरी हेल्दी और साथ में टेस्टी भी होने की वजह से एज अ स्वीट डिश आप अपने गेस्ट के सामने बहुत ईजीली सर्व कर सकते हैं। अदिति, हम अगर हमको बहुत टाइप्स की खीर बनानी यूजुअली सबको आती है, जैसे कि ये साबुदाने की, चावल की, सूजी की, तो ये अगर आप अपनी लिस्ट में और शामिल कर लेंगे तो एक और ऑप्शन हो जाएगा आपको अपने गेस्ट को अटेंड करने के लिए। और स्पेशली जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस है, जैसे कि मीनू जी ने कहा, उनके लिए तो ये खीर परफेक्ट है, बिकॉज आप किसी फॉर्म में उनको फ्रूट्स, हेल्दी चीज़ों को खिलाना चाहते हैं लेकिन वो इनटेक नहीं करते, लेकिन आप उनके लिए डिलीशियस फॉर्म में उनको इस तरीके की हेल्दी चीज़ें देते हैं तो वो ज़रूर इनटेक करते हैं। हाँ, वो टेस्ट में उनका डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो वो उसको रिलिश करना शुरू करते हैं। और जो लोग जैसे कि सिख हैं अभी, उनके लिए भी काफ़ी ईजी रेसिपी भी है और साथ में हेल्दी रेसिपी भी है। और अदिति, इसमें तो मैं एक और ऐड करूँगी, जैसे लेडीज़ अब नवरात्रे आएंगे और कोई व्रत आएंगे, तो इसमें ये डिश ऐसी है जो पूरे जो नौ व्रत रखते हैं उनके लिए काफ़ी फीलिंग है और काफ़ी अच्छी डिश है। तो ये आप बना के रख सकते हैं और ठंडा गर्म जैसा चाहे खा सकते हैं। तो अदिति, ये अब बॉयल आ चुका है इसके अंदर और केला भी लगभग काफ़ी पक चुका है इसके अंदर। तो अब हम डालने जा रहे हैं इसमें कंडेंस मिल्क, जिसकी क्वांटिटी अगर आप एक कप बोल का दूध से बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये कंडेंस मिल्क से आप समझ ही चुके होंगे, जैसे मिल्क मेड होता है उसी तरीके से ये है जी। तो कंडेंस मिल्क से ये फ़ायदा है दीदी, एक तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद चीनी वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, या क्योंकि हमने इसमें दूध में केला भी डाला है, केला अपने आप में काफ़ी स्वीट है और आपने अभी कंडेंस मिल्क डाला है, लेकिन फिर भी अगर ये एज पर टेस्ट है, अगर आप चीनी डालना चाहें तो 1 से 2 छोटे चम्मच डालेंगे। तो जो मैं डाल के दिखा देती हूँ आप किस स्टेज पर डालेंगे, 1 से 2 छोटे चम्मच मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मीठा हो जाएगा और ये अपनी चॉइस के और अपने टेस्ट के ऊपर है चीनी डालना आपको। तो इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे और इस बीच में मैं थोड़ा सा इसमें नटमेग पाउडर डाल रही हूँ और इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है खीर में। तो इलायची पाउडर हम ले चुके हैं एंड सेकेंडली अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा, आदित्य, मैं जायफल ऐड कर रही हूँ जस्ट फॉर द फ्लेवर। और ये, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत कम ऐड करना है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होना चाहिए, एक माइल्ड सा फ्लेवर आना चाहिए। क्योंकि केले के साथ और सेब के साथ तो दालचीनी और जायफल का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। तो ये अब ठीक है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे, थोड़ा सा अंदर डाल देंगे, जिसमें से मैंने किशमिश लिया हुआ है, बादाम और थोड़े से पिस्ता। खीर में वैसे भी ड्राई फ्रूट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो देखा आपने अदिति कितनी जल्दी हमारी केले की खीर बनकर तैयार है। तो इसको अब हम सर्व कर देते हैं। जायफल की देखने में भी काफ़ी अपीलिंग लग रही है, टेस्टी लग रही है। और अभी ये अगर आप ठंडा सर्व करेंगे तो अदिति थोड़ा सा थिकन होएगा, तो कंसिस्टेंसी आपको उसी हिसाब से रखनी है। तो इसको मैं डेकोरेट कर देती हूँ थोड़े से केले स्लाइसेस से, थिन केले के स्लाइसेस आप इसमें डेकोरेट कर देंगे ऊपर। तो फाइनली केले की खीर बनकर रेडी हो गई है। मिनट्स में लगे इस खीर को बनने में। अगर आप भी लुत्फ उठाना चाहते हैं इस खीर का तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसकी रेसिपी। मैं आपसे लेती हूँ यहाँ पर इजाज़त, लेकिन कल का जस्ट फॉर वुमेन आपके लिए बिल्कुल खास है, क्योंकि कल हम सीखेंगे बादाम केवड़ा सेवैया। केले की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, केसर वाला दूध,
ड्राई फ्रूट, इलायची, जायफल, केला और मिल्क मेड। केले की खीर बनाने के लिए सबसे पहले दूध गर्म करें। केला अच्छी तरह मैश कर दूध में मिलाएं। अब मिल्क मेड डालें, इच्छा अनुसार चीनी डालें, स्वाद के लिए इलायची और जायफल मिलाएं। अब किशमिश, बादाम, पिस्ता डालकर मिलाएं। केले के टुकड़े और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सर्व करें। तैयार है डिलीशियस केले की खीर।